स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट अराकीन पर मुश्तमिल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के मौजूदा अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर की जानिब से तमाम वज़राए आला और पार्टी रहनुमाओं को इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। अपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है। 30 साल से जो दो खानदान पैसे लूटकर बाहर लेकर गए, उनसे कहता हूं लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस ले आएं, मैं खाने पीने की अशिया की कीमतें आधी कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का चैलेंज, पेट्रोल मजीद महंगा करने का इशारा दे दिया। कहा कीमत में मजीद इजाफा करना पड़ेगा वरना खसारा बढ़ जाएगा। महंगाई की सताए आवाम के लिए 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। 6 माह तक पैकेज के तहत घी आटा दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा। 40 लाख खानदानों और किसानों को बगैर सूद कर्जे मिलेंगे। खानदानों के एक फर्द को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्कॉलरशिप और हेल्थ कार्ड देंगे। पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को घर जाना होगा। इमरान खान का इस्तीफा ही कौम के लिए रिलीफ साबित होगा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने आवाम को 3 साल बेरोजगारी, महंगाई और भूख का पैकेज दिया। बिजली, गैस, पेट्रोल, अद्वियात महंगी करके आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। आज फिर सिलेक्टेड वजीर आजम का झूठ और यू टर्न पर मबनी खिताब था। बिलावल भुट्टो जरदारी का लड़काना में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा इमरान खान का खिताब आवाम के लिए एक और लॉलीपॉप है। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान आवाम की आखिरी उम्मीद हैं, अगले 5 साल भी खान के हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और खुर्दनी तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। ब्रांडेड घी 38 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 392 रुपये किलो हो गई। खुर्दनी तेल का पैकेट 33 रुपये फी किलो महंगा हो गया, कीमत 388 रुपये फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी, दुकानदारों ने चीनी के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। चीनी कहीं 120, कहीं 125 तो कहीं 130 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। नैप की रिकवर रकम सरकारी अकाउंट में जमा ना कराए जाने का इंकशाफ। नैब ने 815 अरब किस अकाउंट में जमा कराया कुछ मालूम नहीं। वजारत खजाना, स्टेट बैंक हुकाम सब नैब रिकवरियों से लायल निकले। हम तो नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसा कहाँ है। वजारत खजाना का मौकिफ, सेनेट फाइनेंस कमेटी का ऑडिटर जनरल और नैब के ऑडिटर को खत, आइंदा इजलास में तलब कर लिया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि नैब का झूठ सामने आ चुका। नैब बताया कि रिकवर की गई रकम कहाँ पड़ी है। टी20 वर्ल्ड कप का मार्का, न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने, भारत की बैटिंग जारी। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।